ये किश्तवाड़ के लोगों की कामयाबी है क्योंकि हम डेवलपमेंट के को अहद लेके निकले हैं यहाँ से। इंशाल्लाह अब जल्द हफ्ते के बाद देखोगे यहाँ पे क्या शुरू होने वाला है। और जो ठेकेदार बने हैं 40 साल के ठेकेदार यहाँ किश्तवाड़ में म्यूनसिपलिटी में, उनको नंगा करने के लिए बैठ रहा हूँ चेयर में। और दूसरी बात, यहाँ के आप देख रहे होंगे आए दिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो हालत सड़कों की है, समझ नहीं आ रही है ये हो क्या रहा है। जगह जगह पे सड़कें तोड़ी गई हैं। तो मैं देखू तो पहले ये ठेकेदारी कर कौन रहे हैं, ये हालत क्या बना के रखी हुई किश्तवाड़ की। और हम सब ने यही चीज पूछने के लिए हम लोगों ने इनको बड़ी मिन्नतें की लेकिन ये हमें जवाब नहीं दे पाए। और हमने अहद कर दिया कि हम सारे काउंसलर मिलके अदम एतमाद हम ले लें इनसे और हम खुद यहाँ पे चेयरमैन बने और किश्तवाड़ की तामीर तरक्की करें। कितने वोटों से आपने कामयाबी हासिल कर चुका हूँ। एक साल इन्होंने यहाँ पे एक साल इन्होंने ज़ाया किया हमारा कोर्टों के पीछे, उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो दूसरी बार और ये दूसरी बार फाइल लेके कोर्ट में पहुँचे, वहाँ से और डिसीजन आया, तीसरी बार परसों और ये कोर्ट में पहुँचे लेकिन इस बार कोर्ट ने इनको अच्छी तरह धिकारा वहाँ पर और इन्होंने कहा कि जाओ इलेक्शन करो। अगर आपके पास पूरे वोट हैं, अगर आप लोगों ने ठेकेदारी नहीं की होती तो आज ये काउंसलर मेरे साथ नहीं आप लोगों के साथ होते हैं। यही एक वजह है कि काउंसलर सब मेरे साथ हैं। और मैं और ये बात नहीं है, हर एक पार्टी का आदमी यहाँ पे चाहता है कि डेवलपमेंट हो, किश्तवाड़ में काम हो। किश्तवाड़ में सड़कों की हालत बदतरीन है, किश्तवाड़ में समझ ही नहीं आ रही है इनमें कौन सा ये माफिया है इनका जो ये काम कर रहे हैं। आपको नजार साहब जीतने के बाद आज आपने सीधे अपनी पार्टी का हाथ थामा है, जैसे ही आपने अपनी म्यूनसिपल कमेटी के अंदर इलेक्शन जीता चेयरमैन बने उसके फौरन बाद ही आपने अपनी पार्टी का हाथ थामा है। उसकी उसकी बड़ी वजह यह है, अपनी पार्टी को ज्वाइन करने की एक बहुत बड़ी वजह है। मैंने देखा अगर मुझे यहाँ डेवलपमेंट करनी है, मुझे अगर काम करना है, मुझे यहाँ काम अगर चलाना है इस म्यूनसिपलिटी को, मैंने किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पहले फैसला किया था सब काउंसलर्स ने कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप छोड़ू, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का था पहले कि हम मिलजुल के एक ही पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो बार बार नेशनल कांग्रेस के ये जो गिनोनी हरकतें म्यूनसिपलिटी को डिफेंड करने की हरकतें, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया जो आज ये फिर डीसी साहब के पास पहुंच के मेरे लिए बड़े फड़के बना के पहुंचे तो मैंने डिसीजन लिया कि आपने सिर्फ आपने क्या बोलते हैं अपनी पार्टी ज्वाइन की है या आपके साथ जो बाकी वार्ड मेंबर से उन्हें भी अपनी पार्टी ज्वाइन की है। बाकी वार्ड मेंबर उनका एक ही कहना है कि हम देख लेंगे डेवलपमेंट क्या है कैसे होती है उसके बाद वो कोई डिसीजन लेंगे। अभी हर एक वफादार अपनी पार्टी के लिए जो जो है। सर म्यूनसिपल कमेटी इलेक्शन जीतने के बाद अभी आप चेयरमैन बने, बहुत सारे काम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ अगर हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ म्यूनसिपल कमेटी की मैं बात करूँ बहुत सारे काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो लोगों की आस आप पर थी जिस वक्त आप वार्ड मेंबर्स बने बाकी लोग भी बने चेयरमैन बने उस वक्त भी बहुत सारी आस आपसे लगाए हुए बैठे थे, किस हद तक वो लोग खरा उतरे उन कामों को लेकर और आज जब आप म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन बने जा रहे हैं किस हद तक आप काम करेंगे? वाहिद एक सजादमंद हजार काउंसलर यहाँ किश्तवाड़ में मिलेगा जिसने यहाँ के कोविड में जितना काम किया पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, पूरा पूरे लोग जानते हैं। आज भी किश्तवाड़ में सजाद अहमद नजार ने लोगों को भीख मांग मांग के 6 ऑक्सीजन मशीन यहाँ पे पड़ी है जो लोगों को सर्व करती है। और सजाद अहमद नजार एक ऐसा बंदा है जो खुद काम करना जानता है। मैं एक मौका चाहता हूँ और वो मौका आज मेरे अपने काउंसलर हजरातों ने दे दिया और जल्द से जल्द आप अपील करता हूँ अगर कोई भी आपको कल से एक नंबर शाया किया जाएगा म्यूनसिपलिटी में, जो भी कंप्लेंट होगी उसको दर्ज किया जाए और 24 घंटे के अंदर अंदर उसका अजाला होगा। और सबसे बड़ी बात है जो हम
पहले स्टेप उठाना चाहते हैं जो ये माफिया बैठी हुई है, जो ठेकेदार बने हुए हैं, इनका पर्दाफाश करें, इनको बिहाइंड द बार करवा लें। सजाद साहब, आपको आज भाजपा का भी वोट पड़ा, पीडीपी के ये कौंसिल उनका भी वोट पड़ा, तो किस मकसद से? ये सजाद नजार को वोट नहीं पड़ा, सजाद नजार को नहीं, ये डेवलपमेंट को वोट पड़ा। सजाद अहमद नजार आज म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बने, क्या एक नई सुबह देखने को मिल सकती है? इंशाल्लाह आप भी देखिए, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह रहमान, आपको बहुत अच्छी सुबह मिलेगी कल से, जो हमारा मुद्दा मकसद है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबके सामने, मैं बोलना चाहता हूँ उमर साहब मलिक का, जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मेरी औकात नहीं थी इन दो जमातों के साथ लड़ने की। मैं कहता हूँ इन्होंने 40 साल क्या किया, और किश्तवाड़ का अगर किश्तवाड़ किया हम सुनेगी, मैं कहता हूँ इनके घरों के जला देगी जो हालत वहाँ म्यूनसिपलिटी में करके। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये बोलना चाहेंगे कि आज तक लोग यहाँ पे आए और लोगों का, लोगों ने आके इलेक्शंस लड़े और आम लोगों का इस्तेसाल किया, और एक फुकदान है इस वक्त, एक डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट है आम लोगों का लीडरशिप पे, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन पे एक ट्रस्ट डेफिसिट है, किसी को भरोसा ही नहीं आता कि कोई भी ईमानदारी से काम करना चाहता है। हम आज ये जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन म्यूनसिपल इलेक्ट, चेयरमैन इलेक्ट म्यूनसिपल कमेटी किश्तवाड़, म्यूनसिपल काउंसिल किश्तवाड़ की, जो सजाद अहमद नजार साहब ने अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत पे भरोसा दिखा के जो अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है, हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हमारी बातें नहीं, हमारा काम बोलेगा। इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे किश्तवाड़ में किस हिसाब से काम होगा, और वही काम हमारी तर्जुमानी करेगा, वही काम हमारे लिए बोलेगा। मलिक साहब, अगर बात करें ज़िला किश्तवाड़ की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को छोड़कर अपनी पार्टी ज्वाइन की है और नई सुबह का आगाज़ करने जा रही है अपनी पार्टी यहाँ पर, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, हम इसे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से देखते हैं कि दिन ब दिन जोग दर जोग लोग अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में अपनी पार्टी से जुड़ रहे हैं, अपना एतमाद अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में डाल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम उन लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना सा कहना चाहते हैं कि आज से एक नई सुबह की शुरुआत है, इंशाल्लाह अब किश्तवाड़ का काम होगा, ज़िला किश्तवाड़ में एक तरक्की और तामीर का एक दौर स्टार्ट होगा, और वो देखा जाएगा और वो लोग महसूस करेंगे कि ये काम हो रहा है। सर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी में पहले भी चेयरमैन बने, उन्होंने जो है सिर्फ अपने घर बनाए हैं, किश्तवाड़ म्यूनसिपल कमेटी की अगर बात करो तो यहाँ पर कोई भी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट जो अगर देखा तो कोई भी काम नहीं किया है। आइंदा आने वाले लोग जो है म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जो आते में रहते हैं, जितने भी वार्ड्स हैं, वो क्या आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपका चेयरमैन बनने को जा रहा है, बना भी, और इसने पब्लिक के सामने कहा कि मैं अपनी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि लोग आस लगाए हुए बैठे हैं, और किस तरह की रणनीति निभाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात समझा देना चाहता हूँ, और ये बात बहुत बड़ी बात है कि पहली दफ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुंगल से हमने म्यूनसिपलिटी को निकाला है, ये आज पहली दफ़ा हुआ है। मैं कह देना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज हमने जनाजा किश्तवाड़ में पढ़ दिया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जितनी भी पार्टियाँ यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आज हम उनको कह देना चाहते हैं कि अब हम लोगों को काम करके दिखाएंगे, और लोग उस काम की बेसिस पे आपको रिजेक्ट करेंगे, और आपको आज के बाद इंशाल्लाह हम ऐसे ऐसे हालात आपके लिए पैदा करेंगे कि आप इलेक्शन भी ना लड़ पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।